हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से। वहां पे मेरी आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा और वहां पे आपको छोटी छोटी रील्स देखने को मिलेंगी जो कि हर छोटी छोटी टिप्स बताता रहता हूं मैं। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कहाँ से आए। अगले कट से हमें लेफ्ट जाना, तो अभी से लेफ्ट का सिग्नल दे दो। हाँ, क्या नाम है आपका? बुफरान। कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग सीखने का? सेकेंड डे। ओके, यहाँ से लेफ्ट चलना है। कहाँ से आए आप ड्राइविंग सीखने? सीतापुर से। यहाँ से लेफ्ट टर्न करो। हाँ चलो, टर्न करो। यहाँ ज्यादा ब्रेक नहीं लेना क्योंकि चढ़ाई है, अगर आप ब्रेक लोगे तो गाड़ी रुक जाएगी। अब यहाँ पे ब्रेक लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि स्लोपिंग थी, चढ़ाई पे ब्रेक नहीं लेते। चढ़ाई पे क्लच और ब्रेक पे पैर होता है ताकि अगर आपने ब्रेक दबा दिया तो गाड़ी का इंजन तो भी बंद हो जाता। एक तो टर्निंग था, ऊपर से आपने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी की स्पीड तो बहुत डाउन हो जाती। जब डाउन हो जाती तो इंजन बंद हो जाता क्योंकि आपने सेकंड गियर में कार को वहां पे टर्न किया। तो टर्निंग के टाइम ब्रेक लेना चाहिए, क्लच या ब्रेक पे पैर रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए क्लच और ब्रेक पे, ना कि ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल स्पीड जो आपकी है उस स्पीड में गाड़ी बढ़ जाएगी। अगर आप सेकंड गियर में हो तो उसको 10-15 की स्पीड तो नॉर्मली चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप ब्रेक ज्यादा लगा दोगे तो आपकी गाड़ी का इंजन झटके मार के बुझ जाएगा। समझ गए? तो अगली बार से ये गलती मत करना। अभी क्लच और ब्रेक पे पैर रख लो और प्रॉपर, हाँ, क्लच और ब्रेक पे पैर रखना, अपनी गाड़ी लेफ्ट लेके आ जाओ। क्लच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए ताकि गलती से कहीं राइट रखो हल्का सा। हाँ हाँ, अभी यहीं से राइट जाना, सिग्नल दो राइट का। राइट वाला पैर ब्रेक पे, लेफ्ट वाला क्लच पे। अभी आगे जाके थोड़ा सा, हाँ अभी टर्न करो, बस इससे ज्यादा नहीं। तुमने इतनी ज्यादा टर्न कर दी अभी उसकी बाइक में टकरा जाती। चलो जाओ, छोड़ो, रेस लो हल्का। लेफ्ट में कितनी ज्यादा जगह पड़ी हुई थी, तुम राइट ज्यादा टर्न कर गए। राइट साइड जहां बैठे हो ना वहां पे भी तो हमको देखना है कि हमारे राइट में जो हमारा राइट वाला टायर वो कहां जाएगा। अभी बढ़ाओ स्पीड, क्लच को फ्री करो और अब एक्सेलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर। जिस वक्त गियर लगाओगे उस वक्त पूरा 100% क्लच दबा होना चाहिए। कितना? 100%। अब आगे से हमें चलना है लेफ्ट। लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ स्लो करके। हाँ, क्लच और ब्रेक पे पैर रहेगा, हाफ क्लच थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। हॉर्न, ये मुझे बार बार ना बताना पड़े कि हर मोड़ पे हॉर्न दो, हर टर्निंग पे हॉर्न देना जरूरी ही नहीं है, तो फिर क्यों नहीं देते हो? और एक्सीलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए, क्लच और ब्रेक पे होना चाहिए। अगर एक्सीलेटर नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक और क्लच पे पैर होना चाहिए। अब यहीं से हमें राइट टर्न करना है या सीधा भी चल सकते हैं हम। चलो सीधा जा सकते हैं, सीधा जा सकते हैं, सीधे के लिए कोई सिग्नल नहीं होता। हॉर्न सामने से देखो, 300 SUV आ गई थी। अपने लेफ्ट वाले ORBM को बार बार रिकॉल करते रहा करो, जो लेफ्ट वाला शीशा है इसको देखते रहा करो, ठीक है? और कल से ब्लैक गॉगल्स लगा के आना, ठीक है? कल से ब्लैक गॉगल्स लगा के आना क्योंकि तुम्हारी आंखें रेड हो रही हैं। नहीं मैं सिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है? आंखें बहुत ज्यादा तुम्हारी रेड हो रही, इस टाइम वो आई फ्लू चल रहा है, पता लगा हमारी भी हो गई तो 30 स्टूडेंट है सबका बैंड बच जाएगा। समझ गए? कल से ब्लैक गॉगल्स लगा के आना, तो आना क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने 2-3 बार देख लिया, मेरी आंखों में पेन होने लगा है। हल्का लेफ्ट आओ, अब राइट रखो, राइट राइट, वापस लेफ्ट आओ। हॉर्न, हाँ हॉर्न इसलिए देना ताकि आंटी अलर्ट हो जाए, ठीक है? अभी यहां से चलना है हमें राइट, किधर चलना है? राइट, तो राइट का सिग्नल दो नीचे को। हाँ हॉर्न, हाँ ब्रेक पे पैर होना चाहिए, बस टर्न करो और खाली ब्रेक नहीं दबाते। जैसे गुफरान नाम है ना तुम्हारा, सीधी करो गुफरान, खाली ब्रेक नहीं लेते। अगर फर्स्ट और सेकंड गियर में चल रहे हो तो अगर तुम्हें 10% भी ब्रेक लेना है ना तो उसके लिए 50% पहले क्लच दबाना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, 50% पहले क्लच लेना पड़ता है, फिर 10-20% ब्रेक ले सकते। तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, तुम क्लच नहीं ले रहे हो, ब्रेक ले ले रहे हो, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा डाउन हो जा रही है, गाड़ी का इंजन बंद होने की कंडीशन में आ जा रहा है। हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है? तो फिर खाली ब्रेक लोगे तो, क्योंकि गाड़ी चल रही 10-20 की स्पीड में, 10 की स्पीड में पहले से गाड़ी रेंग रही, उसको प्रॉपर स्पीड वो नहीं मिल पा रही जो उसको मिलनी चाहिए, उसके बाद भी आप ब्रेक लगा दे रहे हो तो गाड़ी तो फिर बंद हो जाएगी ना। हल्का राइट रखो और राइट, हाँ राइट रखो, लेफ्ट आओ, अपने दोनों साइड में नजर होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों, राइट में भी और लेफ्ट में भी, ताकि दोनों साइड का अंदाजा हो पूरी तरीके से, हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे लेफ्ट और राइट में चल क्या रहा है, क्योंकि फ्रंट से तो हमें दिख रहा है सारा, अक्सर दिक्कतें आती है लेफ्ट और राइट से, हमें अंदाजा ही नहीं मिलता है कि कौन सी गाड़ी लेफ्ट से आ रही कौन सी राइट से, क्योंकि हम लोग रॉन्ग साइड भी। अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखो, हल्का सा राइट रखो, गाड़ी को धीमा करो हाफ क्लच लेके, बस चलो अभी स्पीड ले लो हल्का सा, और जब एक्सीलेटर करेंगे तो उस टाइम क्लच जरा सा भी दबा नहीं होना चाहिए, जिस टाइम हम एक्सीलेटर पुश कर रहे होंगे उस टाइम 1% भी क्लच नहीं दबा होना चाहिए। अभी स्पीड बढ़ाओ, ये जो गलियां हैं इनमें से खतरा है, कभी भी कोई भी आ सकता है, लेफ्ट और राइट वाली जो गलियां हैं उनको ध्यान रखना। कभी भी कोई भी इन सब गलियों से निकल सकता है, सामने वाले को एकदम अलर्ट रहना है। अब सामने देखो ट्रॉली खड़ी, थोड़ा सा ध्यान रखना, लॉन्ग हॉर्न पुश करो ताकि वो थोड़ी गाड़ी अपनी साइड कर ले। सामने देखो डैम्प आ रहा है, राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाए, लेफ्ट ज्यादा दबा दिया तुमने, अभी टकरा जाती गाड़ी, अभी लेफ्ट साइड से रगड़ जाती, राइट खोल का राइट वाला पैर कहां ब्रेक पे था, तो ब्रेक के अंगूठे के साथ उंगलियां भी रखो ना, खाली अंगूठा क्यों रखे हो, टो मैंने बोला रखने के लिए, खाली अंगूठा नहीं रखा जाता है, टो समझते हो, अंगूठे के साथ उसकी फिंगर भी होनी चाहिए, खाली अंगूठा रखोगे तो वो अंदाजा नहीं मिल पाएगा। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, यहाँ पे गली आ रही है राइट साइड से, कोई भी गाड़ी कभी भी निकल सकती है। हल्का राइट, हाँ अब देख रहे हो ये गली आ रही थी इधर से, ऐसी गलियों से कोई भी ब्लाइंड टर्न है ना, अचानक आ जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ। हॉर्न, हॉर्न, वैसे तो हॉर्न गाली होता है, पर इन सब गलियों से बचने के लिए कि कभी भी कोई भी ना निकल के आ जाए, इसलिए हॉर्न देना जरूरी होता है। अभी सामने जहां से टेम्पो निकला है वहीं से हमें लेफ्ट जाना है, ठीक है, तो लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे लियो, 50% क्लच दबाओ, 50% क्लच, 10% ब्रेक। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।